हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए और यहाँ पर ऑल कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं हमसे कि NSDL पेमेंट बैंक का जो ऐप है उसके थ्रू हम कैसे अपना फिजिकल कार्ड घर पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप NSDL पेमेंट बैंक का ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को फिजिकल रूप से कैसे मंगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है NSDL पेमेंट बैंक। आप यदि यहाँ पर एम पिन सेट किए तो यहाँ पर एम पिन डाल करके लॉगिन हो जाइए। हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट किया तो यहाँ से हम फिंगरप्रिंट डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट सेट नहीं किया तो फिंगरप्रिंट अपना यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है लॉगिन यूजिंग फिंगरप्रिंट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से फिंगरप्रिंट को इनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना जरूरी है कि यदि आपने NSDL पेमेंट बैंक में यदि आपने NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन नहीं किए हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे अकाउंट ओपन होता है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि हम NSDL पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मेरा पेमेंट बैंक में जो बैलेंस है यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ से मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कैसे यूज करना। अब यहाँ पर देखिए आपको कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिजिकल कार्ड के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हमें फिजिकल कार्ड कैसे मंगाना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, बता दीजिए। यहाँ पर देखिए हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको व्यू CVV पर क्लिक करेंगे तो आप अपना CVV नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैनेज कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मैनेज लिमिट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब लिमिट है, यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक से यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का लिमिट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर है ATM विड्रॉल लिमिट। यदि आप चाहते हैं कि ATM का विड्रॉल जो हो वो यहाँ आपके मर्जी से हो, जैसे कि यहाँ पर 5000 से ज़्यादा नहीं निकले ATM से फिजिकल कार्ड के द्वारा, तो आप यहाँ पर सेट इसको कर सकते हैं, जितना मर्जी वहाँ इतना सेट आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा आपके ATM से। फिर आप किसी भी ATM में इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर 25000 लिमिट मिलता है मैक्सिमम, आप चाहते तो यहाँ से घटा सकते हैं इसको, और घटाने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ से ये यहाँ पर देखिए ये मैसेज होगा सेट कार्ड लिमिट सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर कार्ड पर क्लिक कर लेते और मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर हमने रुपए कार्ड को सेलेक्ट किया था इसलिए रुपए कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि अब यहाँ पर एक चीज ऑप्शन आपको और बता दें, यहाँ पर तो मैनेज कार्ड लिमिट हो गया, इसके बाद यहाँ पर टेम्प्रोरी ब्लॉक है, इस पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से टेम्प्रोरी ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप कार्ड जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं, जब चाहें इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से कन्फर्म कर लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए ये मेरा कार्ड ब्लॉक हो चुका है, कोई कार्ड को यूज करना चाहेगा तो यहाँ पे कार्ड को यूज नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं कार्ड को। इसका मैनेज कार्ड पर जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपको टेम्प्रोरी ब्लॉक कार्ड। अब यहाँ पे टेम्प्रोरी ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे परमानेंट है, अभी आप चाहते हैं कि परमानेंट रूप से ब्लॉक हो जाए, यहाँ से ऑनलाइन इसको परमानेंट रूप से ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से अप्लाई कैसे करेंगे फिजिकल कार्ड के लिए, इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको मैनेज कार्ड में जाकर के इसको अनब्लॉक करना होगा, कंफर्म कर लीजिए और यहाँ से देखिए कार्ड अनब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ से कार्ड में फिर से जाएंगे और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें ऑफर भी मिलता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल कार्ड, तो आपको नीचे जैसे इस तरह से रहता है इसको जैसे ही ऊपर करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि आपको यहाँ पर 300 रुपये आपके अकाउंट में रहना जरूरी है तभी आपका ये ऑप्शन आएगा
नहीं तो आप फिर ऑप्शन आपका नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को 300 रुपये इसमें रखना जरूरी है कार्ड के लिए। अब यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 300 रुपये आपको एनुअल चार्ज भी, आपको 300 रुपये साल में लगेगा। यहाँ टर्म एंड कंडीशन, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा गया डेबिट फॉर्म NSDL, डेबिट फ्रॉम NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है, कार्ड इशू चार्जेस का 300 रुपये है, यहाँ पे कार्ड नंबर आपका शो करेगा। अब यहाँ पर जो एड्रेस है मेरा, यहाँ पे शो करेगा एड्रेस। अब यहाँ पर कन्फर्म आपका सब कुछ सही है तो यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए समय लगेगा कुछ। अब यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया कार्ड कन्वर्टेड सक्सेसफुली, आपका कार्ड यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैसेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा है आपको योर कार्ड रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, आई विल डिलीवर टू योर यू विद इन 7 वर्किंग डे, यूज इट एट क्रोमा एंड अवेलेबल RS 500 डिस्काउंट वाउचर, आपको डिस्काउंट वाउचर भी आपको देखने को मिलेगा रुपए कार्ड पर। चलिए हम बैक चलते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से हम चलते हैं कार्ड पर, तो यहाँ पर आप कार्ड के लिए अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही कार्ड का ऑर्डर कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। फिर से हम बैक हो जाते हैं, कार्ड में जाने के बाद फिर से ये ओपन होगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे तो आपको ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। तो यदि आप लोग ऑर्डर नहीं किए तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपको 300 रुपये यहाँ पर रखना जरूरी है कार्ड के लिए, इसलिए आप लोग 300 रुपये यहाँ पे रख लीजिए, उसके बाद ही ऑर्डर कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना जरूरी है कि आप लोगों को यहाँ पर पहले अकाउंट में 300 रुपये आपको जमा करना होगा। आप कैसे जमा करते हैं नहीं जानते हैं तो आप, मैंने वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है, तो आप मेरा पिछला वीडियो NSDL पेमेंट बैंक का जरूर देखिएगा। यहाँ पे 300 रुपये आप लोग पहले इसमें जमा कर दीजिए अकाउंट में, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। और भी लोगों के मन में सवाल होगा तो हमें, और भी लोगों के मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।